भगवंत मान साहब से पूरी सानू उम्मीद सी कि भगवंत मान साहब ईमानदार ने, पर उन्हां दी ईमानदारी हुण फस हो गई है। पक्का धरना उदों तक चलूगा, इंडेफिनिट धरना है, जदों तक साढ़े हाथ आ साड़ी बहाली का पत्र नहीं दे देंगे। इन्होंने जदों सानूं कोई रिप्लाई ना दिती तो अज असी मजबूर होके अज असी पक्का धरना लाने लई मजबूर होयांगे। ना तो उन्होंने कोई मीटिंग हुई, उन्होंने अपने मूहों कहे वह मुकर गए, इन्हों की कथनी करनी दोनों फर्क है। जी मेरा नाम कैप्टन गुलाब सिंह है, डिस्ट्रिक्ट संगरूर। अज असी बड़े मजबूर होकर 9 सितंबर तो लेके लगातार असी धरने प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उस दे दरम्यान साड़ी मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के नाल गलबात हुई सी लहरे दे विच, जिथे खुद मुख्यमंत्री साहब ने कहा सी कि आओ तुसी अपनी दिवाली ठीक ढंग नाल घरे मनाओ, मैनू भी दिवाली मना दो, उस तो बाद आपां बह के गल करांगे। उस तो बाद वह सानू अज तक नहीं मिले, पर उन्होंने एक कैबिनेट की जिहड़ी मीटिंग सीगी जिहदे विच 3 मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, हरपाल सिंह जी चीमा ते अमन अरोड़ा जी, इन्हां 3 बंदियां ने जिम्मेवारी दित्ती सी कि जीओ जी दीआं जिन्नीआं समस्यावां ने इन्हां दा हल एन करनगे। साडी मीटिंग चंडीगढ़ दे विच हुई, बहुत वधिया तरीके नाल साडी मीटिंग हुई, 2.5-3 घंटे साडी गलबात हुई, पर उन्हां ने सानूं उस मीटिंग का कोई जवाब नहीं दिता। फिर जदों असीं चीमा सानूं दड़वे मिले, उन्होंने कहा कि कमेटी नूं छोटी बना के तुसीं प्रिंसीपल सैकटरी दे नाल तुहाडी असीं मीटिंग करवाउने आ, उस तो बाद हल कर देवांगे। वह भी साडी मीटिंग चंडीगढ़ 29 सैक्टर के हुई, जिहदे विच डिफेंस सर्विसेज वेलफेयर के जिहड़े डायरैक्टर सीगे वह भी आए सीगे, पैसको के डायरैक्टर आए सीगे, ते फाइनैंस के डिप्टी डायरैक्टर आए सीगे, ते प्रिंसीपल सैकटरी वह भी आए सीगे, ते साडी 5 मैंबरी कमेटी मिली। उन्होंने वह मीटिंग का बहुत वधिया मीटिंग साडी हुई, जिन्ने साडे पॉइंट से उन्होंने सामने रखे, उन्होंने सानू कोई जवाब नहीं दिता। तो असी वेट कर करके डेली डीसी साहब संगरूर नूं मिलदे सी, SSP साहब संगरूर नूं मिलदे सी कि सानूं सर मीटिंग दा रिप्लाई दिओ की बनिया मीटिंग दा, इन्हां ने जदों सानूं कोई रिप्लाई ना दित्ती ते अज असी मजबूर होके अज असी पक्का धरना लाउण लई मजबूर होयांगे। और साडियां कोई बहुत ज़्यादा मंगा नहीं, असी सिर्फ साबका सैनिक हांगे, सिर्फ अपना सन्मान भाल देंगे कि जिहड़ा उन्होंने साडा बेइज्जती करके साडे डिपार्टमेंट नूं बंद किया कि फौजी निकम्मे हुंदे ने, इह किसे कम दे नहीं। उन्होंने जिहड़े वो दुरवरतों जिहड़ी अपनी भाषा दी कीती आ उहदे उत्ते सारे साबका सैनिकां दे विच बहुत वड्डा रोस है। उस करके कोई साड़ी 11,000 या 13,000 की साढ़े पैसे की मंग नहीं है, उन्होंने समुचे साबका सैनिकों का जो बहुत बड़ा निरादर किया उन्होंने, ये जोड़े उन्होंने कैबिनेट मंत्री ने उन्होंने वालों जिदे मैं मंत्रियों के ना लैन तो भी सानू कोई गुरेज नहीं है। फौजा सिंह सरारी सके जिन्होंने असी बहुत जोड़े साडे मतलब सुरक्षा सेवावान के मंत्री लाए गए थे, उस तो बाद बरनाले वाले जोड़े मंत्री ने उन्होंने भी साडा बड़ा निरादर किया, तो इन्हों जो डायरैक्टर ने प्रिंसीपल सैकटरी ने उन्होंने पेपर के अंग्रेजी अखबार की साढ़े को कटिंग अज भी पई आ जिदे शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। उस तो बाद सानू भगवंत मान साहब से पूरी सानू उम्मीद सी कि भगवंत मान साहब ईमानदार ने, वो साडी गल नू सुणनगे, पर उन्हां दी ईमानदारी हुण फस हो गई है क्योंकि वह साबका सैनिकों का सत्कार ही नहीं करना जानते, उन्होंने पता नहीं साबका सैनिक होंगे की ने, इस करके अज असी मजबूर होयांगे ये धरना प्रदर्शन लाने वास्ते। मेरा नाम फ्लाइंग ऑफिसर कमल वर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर तो बिलोंग करना। असी टोटल 4300 जीओ जी सके जिन्होंने गार्डियन ऑफ गवर्नेंस कहें, तो सानू 9 सितंबर तो इन्होंने नोटिफिकेशन दे के ते एक इल्जाम ला के भद्दी जी है कमेंट करके साढ़े भी ये फौजी निकम्मे होंगे ने किसी काम के नहीं, इन्होंने सानू सस्पेंड करता, सस्पेंड की करता एक तरह बर्खास्त ही करता, खत्म करता है साडा डिपार्टमेंट। तो उस तो बाद साडा इन्हां नाल काफ़ी लंबा मीटिंगां दा दौर भी चलिया जिथे एक जगह भगवंत मान साहब ने घोटाल कलां सी इन्हां दा घराओ किया, उन्होंने अपने मूँह नाल कहा सीगा वी तुसीं आओ चंडीगढ़ मैं तुहाडे नाल गल करूँगा, मैनूं तां इस चीज़ का पता ही नहीं भी फौजियां नाल इह हो गया, या तो वह भोले ने या सानूं बेवकूफ बना रहा, क्योंकि हर चीज़ मुख्यमंत्री के ऑर्डर तो बिना नहीं हुंदी कुछ भी। तो उस तो बाद भी जिहड़ा दौर चलिया ना तो उन्होंने कोई मीटिंग हुई, उन्होंने अपने मूहों कहे वह मुकर गए, इन्ह की कथनी करनी दोनों फर्क है। इन्हों का कोई मिनिस्टर देख लो भ्रष्टाचार फसया, तो ये जी सरकार आई सी जी सरकार होंद में आई सी कह के आई सी भी सरकार पिंडा तो चलूगी तो असी भ्रष्टाचार फ्री सरकार देवे भ्रष्टाचार से ठल पावे, पर जोड़ा सा डिपार्टमेंट से गार्डियंस ऑफ गवर्नेंस य सिर्फ पिंडा चो ही चलता से पिंडा चीज़ शहर से इन्हों हले लागू नहीं किया गया पिछली सरकार की यह देन सी।
तो हर एक मजलूम की पिंड आवाज़ बन के सरकार के कन्न तक उन्होंने दुख दर्द पहुँचाते हैं। तो इन्होंने धोखा साढ़े नाल यही किया पिंड कह के सरकार चलूगी, पिंड जो काम कर रहे ईमानदारी काम कर रहे थे उस डिपार्टमेंट ने सब तो पहला आके बंद किया। नहीं सर, एक दिन का धरना नहीं है, असी 27 तरीक न पिछली 27 तरीक न एक संकेतिक रैली कढ़ी सी भी शायद इन्हों कुछ दिमाग से आ जाए तो साढ़े बारे कुछ सोचन, क्योंकि जेडे ने लारे लाए ने एक कुछ सोचने दे सानू नहीं लगता भी सरकार किसी पास जाऊगी। हुण साडा पक्का धरना इत्थे रहूगा, पक्का धरना उदों तक चलूगा, इंडेफिनेट धरना है जदों तक साढ़े हाथ से साड़ी बहाली का पत्र नहीं दे देंगे, क्योंकि असी जे सरकार जिवें साडे नाल मीटिंगां होईयां उन्होंने कहा भी तुसीं की कर सकते हो, असीं बहुत कुछ उन्होंने दस्सिया भी असीं रंगला पंजाब बना सकते हैं, तुहाडे नाल सरकार दे नाल मोढ़े दे मोढ़ा ला के काम कर सकते हैं, असीं सरकार दा रिवेन्यू जिहड़ा कहिंदे ने खजाना खाली है वह भी भरन इहनां दी मदद कर सकते हैं। साडे कोल इदां दा हैगा काम, साडा ईमानदारी नाल काम है, तो जिहड़ियां स्कीमां ते काम करदे सी उही प्रॉपर स्कीमां असीं मोनीटर कर लईए तां सरकार नूं बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो हुण भी जे सरकार नूं अकल आ जाए हुण भी असीं सरकार दे नाल काम करन नूं तैयार हाँ जे सानूं बहाल कर देणे।